हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की क्लास में। हम लोग जीएनएम आयुर्वेदा प्रसूति प्रशिक्षण के अंतर्गत यूनिट 2 में आने वाले टॉपिक अंतःस्रावी ग्रंथियों का सामान्य ज्ञान, इसी के विषय में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में पढ़ लिया था और आज इसी सत्र को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी या न्यूरो हाइपोफाइसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी या न्यूरो हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी ग्लैंड के पश्च भाग को कहा जाता है। यहाँ पे आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये एक पिट्यूटरी ग्लैंड दिखाई गई है। इसमें ये वाला पोर्शन एंटीरियर पिट्यूटरी है और ये वाला पोर्शन पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का डायरेक्ट कनेक्शन हाइपोथैलेमस के साथ होता है। ये ऊपर आप लोग देख सकते हैं, ये पोर्शन हाइपोथैलेमस है और यहाँ से निकलने वाली सारी नर्व्स डायरेक्टली पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाती है। तो यहाँ पे एक चीज या एक बात का ध्यान रखना हमें बहुत जरूरी है कि एंटीरियर पिट्यूटरी की तरह पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई ग्रंथि समूह से नहीं बना होता है। ये मोस्टली नर्व सेल्स या नर्वस टिश्यू से बना होता है, इसीलिए इसका नाम न्यूरो हाइपोफाइसिस है। न्यूरो का मतलब है नर्व्स, ठीक है। तो ये नर्व सेल से बना होने के कारण इसका नाम न्यूरो हाइपोफाइसिस रखा गया है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पश्च खंड से निम्न दो हार्मोन्स का श्रवण होता है, लेकिन इनका निर्माण वास्तव में यहाँ से ना होकर हाइपोथैलेमस में होता है और पश्च खंड में सिर्फ इनका संग्रह या स्टोरेज तथा यहाँ से प्रवाह होता है। तो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि हाइपोथैलेमस से जो नर्व्स निकलती हैं वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाती हैं। तो ये जो हॉर्मोन्स यहाँ पे बनती हैं या पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो हॉर्मोन सिक्रेशन होती हैं वो एक्चुअली पोस्टीरियर पिट्यूटरी में बनती नहीं है। वो बनती कहाँ है? वो हाइपोथैलेमस में बनती है और ये हॉर्मोन्स हाइपोथैलेमस में बनने के बाद जाके सीधा पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर हो जाती है और जरूरत के समय पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये हॉर्मोन्स निकलती है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी हॉर्मोन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेशन होती हैं। सबसे पहले आता है ADH, एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन। एंटी का ए, डायूरेटिक का डी और हॉर्मोन का एच, इसको शॉर्ट में ADH बोला जाता है। और इसको और क्या बोला जाता है? वैसोप्रेसिन, ठीक है। वैसोप्रेसिन इसको क्यों बोला जाता है थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगी। दूसरा जो हॉर्मोन आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से वो है ऑक्सीटोसिन। तो सबसे पहले एंटी डायूरेटिक हार्मोन या ADH या वैसोप्रेसिन। डायूरेटिक वह पदार्थ होता है जो मूत्र के विसर्जन को उद्दीप्त करता है, जबकि एंटी डायूरेटिक मूत्र विसर्जन को कम कर देता है। तो ये जो हार्मोन है इसको एंटी डायूरेटिक क्यों बोला गया है? क्योंकि ये यूरिन एक्सक्रीशन को या मूत्र विसर्जन को ये कम कर देता है, ठीक है। डायूरेटिक मतलब जो यूरिन एक्सक्रीशन को बढ़ाए उसको हम डायूरेटिक कहते हैं और जो इसको कम करे उसको एंटी डायूरेटिक कहते हैं। तो ये जो हार्मोन है इसका बॉडी में क्या काम होता है? ये यूरिन एक्सक्रीशन को कम कर देता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन या ADH या वैसोप्रेसिन भिन्न भिन्न तरह के 9 एमिनो एसिड से बना पेप्टाइड होता है। तो ये भी एक प्रोटीन से ही बना होता है, एमिनो एसिड से बना होता है, ठीक है। इसकी मुख्य भूमिका शरीर के द्रव्य संतुलन के नियमन में सहायता करना होता है। तो यूरिन का जो एक्सक्रीशन होता है वो कितना होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन द्वारा कंट्रोल होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर शरीर में पानी की मात्रा ज्यादा हो या फिर मान लीजिए आपने बहुत ज्यादा पानी पी लिया तो क्या होगा? आपको यूरिनेशन भी ज्यादा आएगी, है ना। यूरिन का अर्ज ज्यादा आएगा तो यूरिन एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा। अगर शरीर में पानी की मात्रा कम हो जैसे डिहाइड्रेशन हो जाए तब क्या होता है? तब यूरिन का एक्सक्रीशन कम हो जाता है, ठीक है। तो बॉडी में फ्लूइड बैलेंस बनाए रखने के लिए कितना पानी या कितना फ्लूइड बॉडी में रहेगा ये कौन डिसाइड करता है? ये ADH डिसाइड करता है या ADH द्वारा ही ये प्रक्रिया कंट्रोल होती है। ADH के मुख्य लक्ष्य अंग वृक्क या गुर्दे होते हैं या आपकी जो किडनी है, ADH का मैक्सिमम फंक्शन किडनी के ऊपर होता है। यह वृक्कीय नलियों की पारगम्यता को बढ़ाकर शरीर में जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है जिससे कम मात्रा में मूत्र का विसर्जन होता है।
तो किडनी का फंक्शन तो हम लोगों को पता ही है, ये यूरिन बनाने में मदद करता है, या इसको यूरिन सिक्रेशन करना भी बोलते हैं ना। तो जो भी यूरिन बनता है वो किडनी में ही बनता है, ठीक है। तो ये जो हार्मोन है ये किडनी के ऊपर एक्शन दिखाता है और किडनी की पारगम्यता को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है, जिससे शरीर में जल का पुनः अवशोषण या रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। तो क्या होता है यहाँ पे देखिए, जैसे ये किडनी है, किडनी से यूरिन बनती है, इसके अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं और इसमें यूरिन बनती है, ठीक है। तो ये यूरिन फिर कलेक्शन होके किडनी से बाहर निकल जानी चाहिए, है ना, यूरेथ्रा के द्वारा ये किडनी से बाहर निकल जानी चाहिए। लेकिन अगर शरीर में फ्लूइड बैलेंस बनाए रखना है तो इस प्रोसेस को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड का फिल्ट्रेशन प्रोसीजर होता है नेफ्रॉन्स में, जैसे ब्लड आता है, फिल्टर होता है और प्यूरिफाइड ब्लड फिर आगे चला जाता है और जो भी उसका वेस्ट होता है वो लिक्विड के फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में बाहर आ जाता है ना, नीचे ट्यूबुल्स में कलेक्शन हो जाता है। तो ये जो फिल्ट्रेशन प्रोसीजर है इसमें सारा का सारा फ्लूइड बाहर नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपका शरीर सूख जाएगा, है ना। तो इसको कंट्रोल करने के लिए एडीएच काफी हेल्पफुल होता है। ये क्या करता है, ये फिर से जो पानी का एक्स्ट्रा अंश बाहर आ गया है वो पानी को रीअब्सॉर्ब कर लेता है बॉडी में, वो वापस चला जाता है बॉडी में, ठीक है, और यूरिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, यूरिन कम मात्रा में निकलती है। वहीं अगर पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है शरीर में तो क्या होगा, तो ये एडीएच अपना काम यहाँ पे नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे एडीएच की जरूरत ही नहीं है, और जो एक्स्ट्रा पानी होगा बहुत ज्यादा मात्रा में होगा वो यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाएगा। यह हार्मोन कुछ मात्रा में वाहिका संकुचन भी पैदा करता है, यानी वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है, फलस्वरूप रक्तचाप बढ़ जाता है। लेकिन मनुष्य में यह वाहिका संकुचन मुख्यतया कोरोनरी रक्त वाहिकाओं में होता है। तो ये जो हार्मोन है इसको वैसोप्रेसिन भी कहा गया है, ठीक है। वैसोप्रेसिन का मतलब होता है जो वाहिका संकुचन पैदा करे, यानी जो हमारी रक्त नलियां होती हैं, रक्त वाहिका नलियां, उसमें ये संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है, ठीक है। तो इसीलिए इस प्रोसेस को वैसो कंस्ट्रिक्शन कहा जाता है। जब वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है तब क्या होगा, ये जो नॉर्मल सपोज ये ब्लड वेसल है इसकी वॉल्स में कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न होगा और ये जो ब्लड वेसल्स है ये नैरो हो जाएंगी कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो ब्लड प्रेशर मेंटेन होके रहना चाहिए वो ब्लड प्रेशर यहाँ पे बढ़ जाएगा। किसी भी नली को जब आप संकुचित कर देते हो, दबा देते हो, तो क्या होता है, उसमें जो पानी जा रहा होता है, वो फ्लूइड जा रहा होता है, उसका प्रेशर बढ़ जाता है। आप लोगों ने देखा होगा गार्डन में जब आप लोग पानी देते हो तो वो पाइप का अगर मुंह आप दबा दो तो उसमें क्या होता है, उसमें पानी का प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। वैसे ही बॉडी में भी उसी टाइप की प्रक्रिया होती है, जब वैसोप्रेसिन हार्मोन आपके ब्लड वेसल्स पे काम करता है तो ये ब्लड वेसल्स को संकुचित कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर बहने वाले रक्त की प्रेशर बढ़ जाती है या ब्लड प्रेशर आपकी बढ़ जाती है। तो इस हार्मोन का एक और फंक्शन हमें क्या पता चला कि ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद करता है, यानी ये जो हार्मोन है ये द्रव्य संतुलन भी करता है और आपके रक्तचाप को भी नियंत्रित करता है। यहाँ पे आप लोग एक चार्ट देख सकते हैं कि हाइपोथैलेमस से कैसे ये वैसोप्रेसिन सिक्रेशन और प्रेशर रेगुलेशन सब मेंटेन होता है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। जैसे ये हाइपोथैलेमस से हमें पता है ब्रेन में जो भी हार्मोन सिक्रेशन होते हैं वो हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है, और वैसोप्रेसिन या एडीएच और ऑक्सीटोसिन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेशन होते हैं वो एक्चुअली कहाँ बनते हैं, वो हाइपोथैलेमस में ही बनते हैं, है ना। तो मेन इसका जो सेंटर है हाइपोथैलेमस, ये ही रेस्पॉन्सिबल है सब कुछ कंट्रोल करने में। तो हाइपोथैलेमस जब स्टिमुलेट होता है किसी भी वजह से, मान लीजिए हाइपर ऑस्मोलारिटी है, यानी शरीर में पानी की मात्रा कम है और इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है, या फिर आर्टेरियल रिसेप्टर फायरिंग कम हो गई है, या फिर एंजियोटेंसिन 2 का सिक्रेशन हो रहा है, या फिर किसी प्रकार का सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो रहा है जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस एक्साइट हो रहा है ना। हाइपोथैलेमस एक्साइट होकर क्या करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को मैसेज भेजता है कि अब आपको वैसोप्रेसिन या एडीएच हार्मोन सिक्रेशन करना है। तो वैसोप्रेसिन जो है एडीएच भी वही है, ठीक है, लेकिन इसके फंक्शन अलग अलग होने के कारण इसको ऐसे दो नाम दिए गए हैं, ठीक। तो एडीएच हार्मोन जो है वो क्या करेगा, वो किडनी के ऊपर जाके एक्शन करेगा,
इसीलिए उसको ईडीएच हार्मोन बोला जाता है। और ये हार्मोन जब ब्लड वेसल्स पे काम करेगा तब इसको वैसोप्रेसिन बोला जाएगा, है ना। तो ब्लड वेसल्स पे जाके ये क्या करेगा, ब्लड वेसल का कॉन्ट्रैक्शन करेगा या कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। ब्लड वेसल्स जो होंगी वो नैरो हो जाएंगी, पतली हो जाएंगी, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। एक दूसरा, किडनी में जाके ये फ्लूइड रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। फ्लूइड रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाने से क्या होगा, शरीर में जो पानी की मात्रा कम हो रही है या किसी भी वजह से अगर आपका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो ये उसको रेगुलेट करेगा। यहाँ पे पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, ये फिर वापस ब्लड वेसल्स में रीएब्जॉर्ब हो जाएगा पानी, है ना। तो ब्लड वेसल में क्या होगा, जो ब्लड की मात्रा है वो बढ़ जाएगी। अब ब्लड की मात्रा भी बढ़ जाएगी और यहाँ पे ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन भी हो रहा है, नैरो हो रहा है, तो क्या होगा, आपका जो ब्लड प्रेशर नीचे चला गया था या डाउन या लो हो गया था, वो ब्लड प्रेशर फिर वापस से नॉर्मल हो जाएगा या बढ़ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली ये दोनों प्रोसीजर्स क्या करते हैं, ये आर्टेरियल प्रेशर को बढ़ा देते हैं या फिर आपके बीपी को कंट्रोल करके रखने में मदद करते हैं। जैसे नॉर्मल बीपी हम लोगों का कितना होता है, 120/80 mmHg, ये तो सभी को पता होगा, है ना। तो ये जो प्रेशर बनाए रखने के लिए ये हार्मोन बहुत जरूरी है। अगर ये हार्मोन शरीर में ना हो तो क्या होगा, ये जो प्रेशर है हमारा 120/80 ये मेंटेन होके नहीं रह पाएगा, ये नीचे नीचे गिरते गिरते जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रेशर मेंटेन करने के लिए आपको वैसोप्रेशन या एडीएच हार्मोन की बहुत जरूरत है। और ब्लड प्रेशर मेंटेन करना क्यों जरूरी होता है ये तो आप लोगों को पता ही है। शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, हर ऑर्गन को ब्लड पहुंचना जरूरी होता है ना। अगर ब्लड में प्रेशर ना हो तो ब्लड का मूवमेंट नहीं होगा, रक्त नलियों में रक्त संवाहन क्रिया नहीं संपन्न हो पाएगी। इसीलिए ब्लड प्रेशर का होना बहुत जरूरी है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि गार्डन में जब आप पानी दे रहे हो तो हर पौधे तक पानी पहुंचना जरूरी होता है। आपके पास जो पौधा होता है वहां पे पानी पहुंचाने के लिए आपको प्रेशर क्रिएट करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती। नल में आपने पानी खोल दिया, जो नॉर्मल प्रेशर में पानी आ रहा है उससे आप पास के पौधों में पानी दे सकते हो। लेकिन दूर के जो पौधे होते हैं जहां तक आपकी पाइप नहीं पहुंच पा रही है, वहां पे पानी देने के लिए आप क्या करते हो, पाइप के मुंह को थोड़ा दबा देते हो, है ना। वहां पे आप कॉन्स्ट्रिक्शन करते हो, उससे क्या होता है, पानी का प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता है। जब पानी का प्रेशर बढ़ जाता है तो ये दूर के पौधों तक पानी पहुंचा सकता है। वैसे ही शरीर में हार्ट आपका ब्लड पंप कर रहा है लेकिन पास के ऑर्गन्स को ब्लड पहुंचाने के लिए ज्यादा प्रेशर की जरूरत नहीं है। बाकी दूर के ऑर्गन्स जैसे हमारा ब्रेन है, हमारे हाथ पांव ये हैं, ये दूर है ना। तो यहाँ पे ब्लड पहुंचाने के लिए ब्लड प्रेशर मेंटेन होना बहुत जरूरी है। एक प्रेशर में अगर ब्लड जाए तब ये दूर के ऑर्गन्स तक पहुंच पाता है। और इस ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए आपका ये वैसोप्रेसिन हार्मोन या एडीएच हार्मोन बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। अब आइए देखते हैं एडीएच हार्मोन के डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं, या एडीएच हार्मोन अगर सही से सिक्रेशन ना हो तो क्या होता है। एडीएच के अल्पस्रावण से जल का पुनः अवशोषण कम होता है, जिससे बहुत ही पतले मूत्र की अत्यधिक मात्रा विसर्जित होती है तथा निरंतर प्यास लगती रहती है। इस स्थिति को डायबिटीज इंसिपिडस भी कहा जाता है। इस हार्मोन की कमी से रक्तचाप भी कम हो जाता है। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि एडीएच हार्मोन हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, अगर एडीएच हार्मोन कम सिक्रेशन होगा तो क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर भी कम रहेगा, ठीक। और क्या होगा, और जितना भी पानी आप लोग पियोगे वो सब यूरिन में निकल जाएगा, क्योंकि वहां पे कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है कि यूरिन में कितना फ्लूइड जाएगा। तो क्या होगा, वहां पे पतले मूत्र की अत्यधिक मात्रा विसर्जित होती रहेगी, यानी एक यूरिन कंसेंट्रेशन आपका कम हो जाएगा और इसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। पानी शरीर में ठहरेगा ही नहीं, सारा पानी यूरिन में बार बार बाहर निकलता रहेगा। तो इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपको प्यास और ज्यादा लगेगी, क्योंकि शरीर सूखने लगेगा, आपको प्यास लगने लगेगी, आप और ज्यादा पानी पीते रहोगे। जितना पानी पीते रहोगे उतना ज्यादा यूरिन और बढ़ता रहेगा। ये जो कंडीशन होती है, ये जो बीमारी होती है, इसको क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस कहा जाता है, ठीक है। शुगर वाली बीमारी डायबिटीज मेलिटस होती है, ये शुगर वाली बीमारी नहीं है। जब बार बार कोई इंसान यूरिनेशन के लिए जाए या उसको बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, बहुत ज्यादा यूरिनेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन को डायबिटीज इंसिपिडस बोला जाता है, ठीक। तो यहाँ पे हमें तीन पॉइंट याद रखने हैं कि एडीएच अगर कम सिक्रेशन हो रहा है तो यूरिन कंसेंट्रेशन आपका कम रहेगा, यूरिन में पानी की मात्रा ज्यादा रहेगी
यूरिन फ्रिक्वेंसी ज्यादा रहेगी और बार बार यूरिनेशन होगा और ब्लड प्रेशर भी आपका कम रहेगा। वहीं अगर एडीएच की अधिकता हो या एडीएच का सिक्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है तो क्या होगा, वहाँ पे ब्लड प्रेशर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, हाइपरटेंशन होने लगेगा, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और मूत्र बनना रुक जाएगा या कम हो जाएगा। ठीक है, किसी भी वजह से अगर एडीएच का सिक्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वहां पे उस इंसान का बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, और फिर उसको डायूरेटिक ड्रग्स दे के बीपी को कंट्रोल करना पड़ता है या यूरिनेशन करा के बीपी को कंट्रोल करना पड़ता है। जो दूसरा हार्मोन न्यूरोहाइपोफाइसिस से सिक्रेशन होता है वो है ऑक्सीटोसिन। यह हार्मोन भी एडीएच की भांति विभिन्न एमिनो एसिड से बना पेप्टाइड है, परंतु दो एमिनो एसिड्स में कुछ भिन्नता रहती है। तो जैसे एडीएच एमिनो एसिड या प्रोटीन से बना होता है, वैसे ही ऑक्सीटोसिन भी एमिनो एसिड या प्रोटीन से बना होता है, लेकिन दोनों में थोड़ी थोड़ी भिन्नता होती है या दोनों हार्मोन्स एक दूसरे से बनावट में थोड़े से अलग होते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, प्रसव के दौरान गर्भाशयिक संकुचनों एवं प्रसव के उपरांत शिशु के दुग्धपान के लिए दुग्ध निक्षेप को उद्दीप्त करता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का फंक्शन हमारे शरीर में क्या है, सबसे पहले ये यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। जब डिलीवरी का टाइम आता है, बच्चा पैदा होने का या प्रसव होने का समय होता है, तब ये यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ऑक्सीटोसिन। और दूसरा, प्रसव के बाद ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ये मिल्क इजेक्शन में मदद करता है। ये मैंने आपको पिछले क्लासेस में भी बताया है जब हम लोग प्रोलैक्टिन के बारे में पढ़ रहे थे। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क बनाने में मदद करता है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन मिल्क को बाहर निकालने में या दूध को बाहर निकालने में मदद करता है, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन मिल्क सिक्रेशन करवाता है और ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्शन करवाता है, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। प्रसव के दौरान ऑक्सीटोसिन गर्भाशय की चिकनी पेशियों में संकुचन पैदा करता है। गर्भावस्था के अंतिम दिनों में गर्भाशय ऑक्सीटोसिन के प्रति अत्यंत संवेदनशील हो जाता है तथा प्रसव की प्रक्रिया के दौरान इसके स्राव की मात्रा बढ़ जाती है। प्रसव में शीघ्रता लाने के लिए सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन या जिसको सिंटोसिनोन या पिटोसिन भी कहा जाता है, इसका प्रयोग आईवी लाइन से किया जाता है। तो डिलीवरी के दौरान अगर आप लोगों को पता हो, सिंटोसिनोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। अगर यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन किसी पेशेंट में सही से नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसका ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन सही से नहीं हो रहा है। अगर ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन सही से नहीं होगा तो यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन सही से नहीं आएगा। तो उस यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, सिंटोसिनोन का इंजेक्शन लगाया जाता है आईवी लाइन से, जिससे क्या होता है, जिससे यूटराइन कॉन्ट्रैक्शंस बहुत ही अच्छे से आने लगते हैं और बच्चे की डिलीवरी बहुत ही आसानी से हो जाती है। इसको आम भाषा में दर्द आना भी कहते हैं। जब लेबर पेन में होता है पेशेंट तो हम क्या बोलते हैं कि इसको दर्द आ रहे हैं, जो रुक रुक के यूटराइन कॉन्ट्रैक्शंस होने लगते हैं उसको दर्द आना भी बोलते हैं, है ना। तो ये जब पेशेंट को दर्द नहीं आ रहा है, मतलब यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन सही से नहीं हो रहा है, वहाँ पे सिंटोसिनोन का इंजेक्शन लगाना होता है। तो ये जो ऑक्सीटोसिन है ये यूटराइन मसल्स पे काम करता है और दूसरा ये मेमरी ग्लैंड्स पे भी काम करता है ना। तो मेमरी ग्लैंड्स पे इसका क्या फंक्शन है, देखिए, यह स्तनों की वाहिकाओं के आसपास की मायो एपिथेलियम कोशिकाओं को उद्दीप्त कर दुग्ध का निष्कासन करता है। मायो एपिथेलियम कोशिकाएं संकुचित होकर स्तनों की दुग्ध एल्वियोली से दुग्ध वाहिकाओं के द्वारा निपल्स में आ जाता है। तो हमने पहले भी पढ़ा था प्रोलैक्टिन पढ़ने के दौरान कि जो आपके मेमरी ग्लैंड्स होते हैं उसमें क्या होती है, उसमें एल्वियोलीज होती है। इन एल्वियोलीज के अंदर क्या होता है, दुग्ध का निर्माण होता है। ये जो दूध बनता है या मिल्क फॉर्मेशन की जो प्रोसीजर होती है वो प्रोलैक्टिन की वजह से होती है, लेकिन इसमें जो लैक्टिफेरस डक्ट से ये निपल्स में आता है दूध इजेक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है, वो ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है। नवजात शिशु के स्तन चूसन से आवेग मस्तिष्क में पहुंचता है जो हाइपोथैलेमस की तंत्रिका कोशिकाओं को उद्दीप्त करते हैं, जिससे ऑक्सीटोसिन स्रावित होने लगता है। स्तन चूसन करने के लगभग एक मिनट तक शिशु को दुग्ध नहीं मिल पाता है, किंतु एक बार जब ऑक्सीटोसिन स्रावित होने लगता है तो मायो एपिथेलियम कोशिकाओं में संकुचन आरंभ हो जाता है तथा निपल से दूध प्रवाह होने लगता है। तो जब बेबी सक करने लगता है निपल्स को, तब क्या होता है, तब स्टिमुलस आपके हाइपोथैलेमस तक पहुंचता है।
और ये हमें पता है कि ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस में बनता है, तो हाइपोथैलेमस में ऑक्सीटोसिन बन के कहाँ आता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आके स्टोर होके रहता है। फिर हाइपोथैलेमस में जब स्टिमुलस पहुंचता है तब वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बताता है कि ऑक्सीटोसिन अभी रिलीज करना है। तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है और ये कहाँ जाता है, ये ब्लड वेसल्स से होते हुए आपके ब्रेस्ट टिश्यू तक पहुंचता है। तो ये ब्रेस्ट टिश्यू में आके क्या करता है, वहां पे जो मिल्क स्टोर होके है आपके एल्वियोली के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन द्वारा बना हुआ है, मिल्क वहां पे पहले से ही मौजूद है, स्टोर है, उस मिल्क को बाहर निकालने में ये ऑक्सीटोसिन मदद करता है। वहां पे जो टिश्यू होते हैं एपिथेलियम टिश्यू जिसको कहा जाता है मायो एपिथेलियम, तो उसको ये कॉन्ट्रैक्शन करता है, उसको ये संकुचित करता है, जिसकी वजह से जो मिल्क यहाँ पे स्टोर्ड है वो सारा मिल्क बाहर निकल जाता है। यहाँ ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ऑक्सीटोसिन दुग्ध निक्षेप को उद्दीप्त करता है जबकि दुग्ध उत्पादन प्रोलैक्टिन के प्रभाव से होता है। ये हमेशा आप याद रखिएगा, मिल्क फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है, प्रोलैक्टिन की वजह से होता है, और मिल्क इजेक्शन किसकी वजह से होता है, ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है। तो बच्चों आज हम लोगों ने न्यूरोहाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में पढ़ा। ये हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड रहता है, इसमें जो हार्मोन सिक्रेशन होते हैं वो कहाँ बनते हैं, वो हाइपोथैलेमस में बनते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में सिर्फ स्टोर होते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से वो हार्मोन्स बाहर निकलते हैं और शरीर पे अपना फंक्शन दिखाते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेशन होने वाले दो हार्मोन्स क्या क्या है, ADH या वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। ADH का फंक्शन ब्लड वेसल के ऊपर होता है, किडनी के ऊपर होता है ना, ये BP को कंट्रोल करता है, ये यूरिन फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, यूरिन एक्सक्रीशन को कंट्रोल करता है। और ऑक्सीटोसिन का फंक्शन कहाँ होता है, ऑक्सीटोसिन का फंक्शन यूटरस पे होता है डिलीवरी के दौरान यूटराइन कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ाने के लिए, और मैमरी ग्लैंड्स पे होता है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान मिल्क इजेक्शन करने के लिए। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में हमने पिट्यूटरी ग्लैंड आज कंप्लीट कर लिया है और इसके अलावा शरीर में जो दूसरे ग्लैंड्स मौजूद हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। तब तक आप लोग हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद जो साइड में बेल आइकन का बटन है उसको जरूर दबाइएगा, क्योंकि जब भी कोई क्लास अपलोड होगी आपके पास डायरेक्टली नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।